I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Neela, jaane do bhaiya, baat bahut badh jayegi. Tum beech mein na bolo. Biju, tum Neela ko samjhao. Usse kaho maa se maafi mange. Mere khayal mein ye zaruri nahi hai bhaiya. Kya kaha? Neela ne jo kuch kaha hai, sach kaha hai. Aur sach kehna koi jurm nahi. Tum Neela ki tarzdari kar rahe ho? Main iska pati hoon. सारे घर वाले इसे आगे फिर सकते हैं, मैं नहीं। बिजू आगे तो तुमने फिर सकते हैं। अच्छा बिजू, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। या तो तुम दोनों माँ से माफी मांगो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए साथ से निकल। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। माँ का अपमान करने वाला एक पल के लिए इस अभिनय का चारों मेरा भाई ही क्यों? सोच लो। सोच लिया। अगर तुम नीला को मां से बढ़कर समझते हो तो तुम भी इसके साथ जा सकते हो। निकल जा। थोड़ा दही खा लो। कहते हैं जो दही खाकर जाए एक ना एक दिन जरूर लौट कर आता है। मेरी खातिर। नमस्ते। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैंने पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं। नहीं बेटे, तुमने क्या नहीं किया? जिस तरह तुमने इन लोगों का साथ निभाया है उस तरह तो लोग अपनी औलाद का भी साथ नहीं देते। आपने मुझे याद फरमाया? बैठिए मिस्टर बुक। थैंक यू। ये लीजिए। ठीक है, नोटिस और एक महीने की तनख्वाह। नोटिस और प्रोविडेंट फंड आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन मैनेजर साहब आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो 22 बरस से इस कंपनी की खिदमत की है। आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता, कंपनी के हालात बहुत खराब है और लोगों को भी जवाब दिया जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं माँ, सुबह सर में थोड़ा दर्द है। दिन रात काम करेगा तो सर में दर्द नहीं होगा क्या? आप कोट उतार लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। ओए नविंदू भैया, तुम घर में बैठे हो यार। क्यों, मुझे हर वक्त घर से बाहर होना चाहिए क्या? तुमको तो उधर होना चाहिए। उधर कहाँ? बीचू का घर में। क्यों भाई जी, आपको मालूम नहीं है बिजू का बहुत तरक्की हो गया, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सच? हाँ, कंपनी का जनरल मैनेजर। मगर तुम्हें किसने कहा? माँ जी, बिजू का ड्राइवर है ना, उसके दोस्त ने हमको बताया। कितनी खुशी की बात है माँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी तरक्की हो गई हो। मुबारक हो, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ओहदा भला किसे मिलता है? नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। मैं कि आज तो उसका घर में बहुत बड़ा दावत है, मुर्गी पुलाव मटन बिरयानी। ओए हम इधर क्या करते, चलो तो जाके हमें उसकी खुशी में जरूर शामिल करना चाहिए। चलो माँ। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हें उसने बुलाया क्या? घर वालों को भी क्या बुलाने भेजने की जरूरत होती है? जरा सोचो तो सही, आज नई नई उसकी तरक्की हुई है, उसे किसी बात की होश भी कहाँ होगी। मगर जिसके कांधों पर बैठकर वो यहां तक पहुंचा उसे तो बुलाना चाहिए था। माँ जी ठीक तो कहते हैं, अरे बगैर बुलाए तो आदमी खुदा के घर भी नहीं जाता। तुम भी अजीब आदमी हो खान, कभी कुछ कभी कुछ। जरा सोचो तो सही, अगर मैं मुबारक देने के लिए नहीं पहुंचा तो बिजू क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी? तुम लोग नहीं चलते ना चलो, मैं तो चलता हूं। अजीब आदमी है ये भी। खान बेटा तुम भी उनके पीछे जाओ, आज नविंदू की तबीयत भी ठीक नहीं है। फिक्र मत करो माँ जी, हम जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा।
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम। तुम किधर जाता रे? तुम्हारे साहब से मिलना है। साहब? साहब आज नहीं मिल सकता रे। मुझे उनसे सिर्फ एक मिनट का काम है। कैसा आदमी मैं बोला ना, साहब आज नहीं मिल सकता। क्या बात है जान? इसको साहब से मिलने को मंगता बोलो। अरे किधर जा रहे? देखो भाई। क्या बात है भाई? तुम यहाँ काम करते हो? हाँ हाँ, मैं साहब का खास बह रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? क्या काम है? साहब से कहो नवेंदु मिलने आया है। भाई आज घर में बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, साहब आज बिल्कुल ही नहीं मिल सकते। कोशिश तो करो, तुम्हारी बड़ी मेहनत। अच्छा आप ऐसा कहते, आप यहाँ बैठे रहिए, मैं वापस आऊंगा तो साहब से कह दूंगा। अच्छा, क्या रे अब तुम कुर्सी पर बैठ गया? चलो बेटा। अरे भाई तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारे साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जा रे जितना मांगने वाला था सो साहब को जानता। चल रे मेहरबानी कर रहे हैं। आउट। ओ कबूतर का बच्चा, क्या बोलते तुम? तू कौन है रे? ओफ तकद्दुम, अगर हमारा एक हाथ तुमको पड़ गया तो तुम्हारा अपना बाप तुमको नहीं पहचान सकेगा। हाँ भैया तुम यहाँ कैसे? तो यार क्या करो, इधर बहुत देर से करा तुम्हारा तमाशा। तू कैसा आदमी है रे? और तुम कैसा आदमी है? पहले आदमी को अपने घर से बाहर निकालते हैं, फिर तुम उसका नाम पूछते हैं। ये कौन से मुल्क का दस्तूर है? अरे पर तुम है कौन? हम तुम्हारा साहब का दादा है और ये तुम्हारा साहब का बाप है। जाओ उसके जाकर बोलो तुम्हारा दादा और बाप दोनों आए। जाओ। मेम साहब, मेम साहब एक मिनट। क्या बात है? एक मिनट मेम साहब। एक्सक्यूज मी प्लीज। बाहर दो आदमी खड़े लाए, वो बोलता है हम तुम्हारे साहब का बाप और दादा। क्या बकते हो? हम ठीक बोलता है। वो देखो उधर ही खड़े लाए। उनसे कह दो कल आए। देखो रे मेम साहब बोला तुम कल आ रहे। अरे भाई तुम उनसे कहो हम सिर्फ मुबारकबाद देने आए हैं। ओहो, हम साहब का सर्विस करेगा कि तुम्हारा नौकरी करेगा रे? ओ चिड़ी मार का बच्चा, तुम फिर ज्यादा बोलने लगा। तो रो स्लो बोलो रे, बूम का एको पाड़ता। तब हो जाओ। मेम साहब वो लोग बोलता हम लोग मुबारकबाद देने को आया रे। ठीक है, उनसे कह दो कि उनकी मुबारकबाद मिल गई। देखो रे मेन साहब बोला मुबारकबाद मिल गया रे, तुम दोनों जा रहे। कहां से? यार हमसे तुम्हारा बेइज्जती नहीं देखा जाता है, हम जाता उस गधे पाजी को पकड़ कर तुम्हारे पांव मिला के डालते हैं। छोटी सी बात पे झगड़ा करने से क्या, हम कल चले। और चले। देखा खान, यीशु के पास कितने बड़े बड़े लोग आने शुरू हो गए हैं। वो जरूर कोई राजकुमारी होगी। वो तो ठीक है यार, मगर जब बीजू बाहर आया था तुम उसको आवाज क्यों नहीं दिया? मैं उसको आवाज देता, वो जरूर मेरे पास आता, मेरे पांव छूता, मेरे गले लग जाता। तो फिर आवाज देना था ना तुमको? लेकिन इतने लोगों के सामने ऐसा करना अच्छा लगता? क्यों? उसकी शान ना कम हो जाती, लोग उसकी हंसी ना उड़ाते। खान तुम अभी तक उसके, तुम कौन सा मिट्टी का बना हुआ है यार? गरम। भाई से मिला है बेटा? हाँ माँ। बैठो खान बेटा। क्या कहा है तुमने? कहता क्या, मुझे देखते ही मेरे पैर पड़ गया और मैंने उठा के गले लगा लिया और इतना अच्छा पेश आया वो हमारे साथ। क्यों खान? मुझे तो ये डर था कहीं वो तुझे पहचानने ही से इनकार न कर दे। ये कैसे हो सकता था माँ, वो तो मेरे मना करते करते मुझे अंदर घसीट कर ले गया और वहाँ सबसे मुझे मिलवाया। इतने बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे। क्यों खान? हाँ बहुत बड़ा बड़ा झूठ, मेरा मतलब है बहुत बड़े बड़े लोगों से हमको मिलवाए। और क्या कहा उसने? और
माँ मुझे अकेला देखकर तो वो बहुत सख्त नाराज हुआ, कहने लगा घर वालों को भी दावत देने की जरूरत होती है। क्या बताऊं माँ, खुशी खुशी में मैं इतना खा गया, इतना खा गया। क्यों खान? माँ इतना खाया कि अब चार दिन तक कोई भूख ही नहीं लगेगा। और बच्चों के लिए कुछ नहीं भिजवाया? बच्चों के लिए? बच्चों के लिए क्यों नहीं, मिठाई, केक, पेस्ट्री और गोल गोल कचौड़ियां, समोसे और वो क्या क्या चीजें। कहाँ सब चीजें? ये तो है खान, वो टोकरी मैंने बस में तुम्हें नहीं दी थी? बस में हम लोग तो चल के चलता बस में माया था, वो टोकरी उधर ही है। तो फिर कहाँ है वो? बस में छोड़। क्या करते हो खान, वो चीज बस में छोड़ने लायक थी? तुम अजीब बात करते हो। अच्छा यार, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बच्चे नाराज हो जाएंगे। कमाल का आदमी है। अच्छा माधवी, कुछ गड़बड़ मालूम होती है, मैं देखती हूँ। मैं आपके साथ भी जीती हूँ, मुझसे छुपाओगे? क्या बताओ माधवी, क्या तुम सुन न सकोगी? भगवान के लिए बताओ क्या बात है माधवी। आज से मेरी नौकरी चली गई। बस इतनी सी बात? मैं समझी ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, इधर की जमीन उधर हो गई। और तो क्या कह रही हो माधवी, नौकरी जाना कोई मामूली बात है? जरा सोचो तो सही, अब कैसे चलेगा? इतने साल कैसे चलता रहा? जानते हो जब पिताजी गुजरे थे तुम पर कितना बोझ था। सत्य, विजयू, गीता सभी छोटे छोटे थे। अब क्या फिक्र है, अब तो सब जवान हो गए हैं। वो तो ठीक है माधवी, लेकिन मैं अब जवान नहीं रहा। मेरे हाथ पैर थक गए हैं, मेरी कमर टूट गई है। सच बताओ, अगर मैं जो घर छोड़कर ना जाता तो क्या तुम यूं हिम्मत हार कर बैठ जाते? जब तक हाथ पैर चलते काम ना करते। वो तो ठीक है, मगर जानती हूँ अब तुम थक गए हो। ठीक भी तो है, इतने साल तुम अकेले काम करते रहे और हम सब खाते पहनते रहे। अब थोड़ी देर के लिए ये बोझ मुझे उठा लेने दो। अदवी, मेरे जीवन में बहुत सी अग्नि परीक्षाएं आई, लेकिन तुमने उसकी आंच मुझ तक कभी नहीं पहुंचने दी। और अब भी नहीं पहुंचने दूंगा, लेकिन अदवी मां को इसका पता ना चले। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.